हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर फाइन। बच्चों, हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिफेक्ट्स के बारे में चर्चा कर ली। डिफेक्ट्स में मैंने आपको बता दिया था कि स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स क्या होते हैं और उसके सब टाइप्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आज हम क्या पढ़ेंगे, नॉन स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स और इम्प्योरिटी डिफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। आज हम सॉलिड स्टेट का स्वाहा कर देंगे, समझ में आ गया। आज सॉलिड स्टेट खत्म हो जाएगा हमारा, समझ में आया, क्लियर है। उसके बाद आप लोग जो आपके टेक्स्ट बैक के क्वेश्चंस है वो आप लोग खुद से सॉल्व करेंगे, समझ में आ गया। इतना तुम्हारा लेवल बना दिया है मैंने कि वो क्वेश्चंस खुद से तुमको सॉल्व करने आ जाएं, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, उसके बाद मैं डिस्कस करूंगा, लेकिन पहले आप खुद से सॉल्व करेंगे, आपका असाइनमेंट होगा। तो आज ये कंप्लीट कर लेंगे और फिर फ्लूइड्स में भी आगे के पार्ट पे जाएंगे। मैथ्स भी थोड़ा सा हमारा भी स्टार्ट हुआ है, उसको भी हम लोग थोड़ा सा खींचेंगे। ओके, क्लियर है। तो हम लोग हमारी जो टीम है ये हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चैनल पे, तो अपने दोस्तों के साथ में इसको शेयर करो ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ओके, थैंक यू। चलिए आइए, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो है आज पहले हम लोग जो है ना पॉइंट डिफेक्ट्स का जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था उसका रिविजन कराऊं मैं, क्योंकि वो याद नहीं रहता है, बच्चों को भूल जाते हैं। तीन टाइप बताए थे, स्टाइकोमेट्रिक, नॉन स्टाइकोमेट्रिक और इम्प्योरिटी, ये हम लोगों ने पढ़ लिया है। इसमें चार कैटेगरी पढ़ाई थी मैंने आपको, कौन कौन सा बताओ, वैकेंसी पढ़ाया, फिर इंटरस्टिशियल पढ़ाया, फिर शॉर्टकी पढ़ाया, फिर फ्रेंकल पढ़ाया, समझ में आ गया। सबसे पहले बताओ डिफेक्ट क्या होता है। रेगुलर अरेंजमेंट से थोड़ा सा भी डिविएशन अगर आपको नजर आएगा तो आप उसको क्या बोलेंगे कि क्रिस्टल में डिफेक्ट है, समझ में आ गया। उसमें आपका जो सबसे पहला टाइप ऑफ डिफेक्ट है वो क्या है, पॉइंट डिफेक्ट। दूसरा क्या होता है, लाइन डिफेक्ट। तीसरा क्या होता है, प्लेन डिफेक्ट। लेकिन आपको पढ़ना कौन सा था, पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना था। पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में हम लोग ने और फिर जानना चाहा, पॉइंट डिफेक्ट्स में क्या आया, एक कैटेगरी बनी आपकी, वो क्या है, वो है आपका स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है, ऐसे डिफेक्ट जो होने के बावजूद भी कंपाउंड का फॉर्मूला नहीं बदलेगा, कंपाउंड की स्टाइकोमेट्री नहीं बदलेगी। यानी इसका मतलब यह है कि अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मूला डिफेक्ट से पहले Ab2 था तो बाद में भी Ab2 रहेगा। बात समझ में आ रही, क्लियर है, आपको बता दिया था मैंने। इसके बाद स्टाइकोमेट्रिक डिफेक्ट में हम लोग ने और चार कैटेगरी पढ़ी, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, शॉर्टकी और फ्रेंकल, जिसमें शॉर्टकी फ्रेंकल बहुत इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होगा, अच्छा ये कहां लगता है पहले बताओ, नॉन आयनिक सॉलिड्स के लिए। ये कहां लगता है, आयनिक सॉलिड्स पे, है ना। चलो भाई, तो ये जो है आयनिक नॉन आयनिक सॉलिड्स में दिखाई देगा और ये आयनिक सॉलिड्स में दिखाई देगा। वैकेंसी में क्या होगा, कोई एटम या मॉलिक्यूल लैटिस साइट से गायब होगा। इंटरस्टिशियल में एटम या मॉलिक्यूल इंटरस्टिशियल साइट पे यानी वॉइड में प्रेजेंट होगा। यहां पर शॉर्टकी में आयन गायब होगा, फ्रेंकल में आयन क्या होगा आपका, इंटरस्टिशियल वॉइड में प्रेजेंट होगा। बस समझ में आ गई, तो ये चीज मैंने आपको पढ़ा दी थी। तो आइए अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी हम लोग सेकंड वाले पार्ट पे जाते हैं। सेकंड वाला पार्ट हमारा क्या है, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। चलिए, तो हमारा सेकंड पार्ट है नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है ये क्या होता है, पहले इसको समझते हैं, फिर इसके टाइप्स देखेंगे। इसके टाइप्स मैंने आपको बताए थे, आज उसके और सब टाइप्स बताऊंगा मैं आपको, समझ आ रहा है, क्लियर है। तो नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो होता है ना बच्चों, आइए उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड changes if this defect is present in the crystal। अगर क्रिस्टल में यह डिफेक्ट प्रेजेंट होता है तो कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। बात समझ में आ रही, क्या बोल रहा हूं मैं, कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा, बदल जाएगा। तो ये डिफेक्ट आने की वजह से क्या होता है, जो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसकी स्टाइकियोमेट्री चेंज हो जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। जैसे अगर फॉर्मूला उसका था Ab2, ऐसे फॉर्मूला था, समझ में आ गया, या फिर ऐसे बोलो आप A2B, ऐसे कुछ था, तो ये हो जाता है A, मान लो पॉइंट या 1.8B, समझ आ गया, ये 2 का क्या हो गया, 1.8 आ गया, कुछ समझ आ रहा है, ये तो 1 ही रहा लेकिन ये क्या हो गया, 2 से क्या बन गया, 1.8 आ गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि इसकी स्टाइकियोमेट्री बदल जाए, समझ आ गया, क्लियर है। इसका रीजंस आप इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं डिटेल में, अभी अपने को सिर्फ क्या करना है, देखना है कि यहाँ पर डिफेक्ट्स क्या है, समझ में आ गया। उसके बारे में अगर चर्चा करते बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर भी मैं आपको
आइडिया देने के लिए एक दो एग्जांपल्स लूंगा कि बेसिकली कैसे उसकी स्टाइक्योमेट्री चेंज हो रही है। समझ आ रहा है, क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है, ये डिफेक्ट के आने से क्या होता है, ये डिफेक्ट के आने से जो कंपाउंड है उसकी स्टाइक्योमेट्री बदल जाती है, उसका फॉर्मूला बदल जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, तो यहां पर जो है अभी मैं आपको बताऊंगा कि बेसिकली क्या होता है। यहां पर देखो ध्यान से, एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर आपको जेई के कुछ एग्जाम्पल्स दिए तो जेई के एग्जाम्पल्स मैं आपको दे सकता हूँ, जेई वगैरह में जो आ चुके हैं, जैसे एफईओ, ये एक है स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट आने की वजह से, पता है इसका क्या हो जाता है फॉर्मूला, 0.93O या फिर Fe 0.95O। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? देखो ये क्या था 1, ये भी क्या था 1, लेकिन यहाँ क्या होगा 0.93, ये क्या हो गया 0.95। ये डिफेक्ट आने की वजह से क्या होता है, इसकी स्टाइक्योमेट्री बदल जाती है। ये इसका एग्जाम्पल है, जेई में इसके ऊपर सवाल आ चुका है, ठीक है। चलिए आइए अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। तो क्या होता है उसको आप समझने की कोशिश करो कि हमारा आज का मुद्दा है बच्चों, आज का मुद्दा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। समझ आ रहा है क्या बोला हूं मैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट में क्या होगा, यहां पर जो आपका स्टाइक्योमेट्री होगी वो बदल जाएगी। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो बच्चों, ये दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के आपके क्या होते हैं, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं। एक आपका क्या होता है, एक आपका होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक क्या होता है आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा जो होता है उसको हम लोग कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या कहते हैं उसको, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। तो एक आपका क्या है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, दूसरा आपका क्या है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आ गया, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो होता है ना बच्चों, वो दो और कैटेगरी का होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो और कैटेगरी का होता है। इसको एक को कहते हैं अनायन वैकेंसीज, क्या कहते हैं इसको अनायन वैकेंसीज, और दूसरे को कहते हैं आपका इंटरस्टीशियल कटायन। समझ में आ गया, इंटरस्टीशियल कटायन, समझ में आ गया, क्लियर है। तो आपके नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट जो है वो दो तरीके के हैं, या तो आपको पहले ही बता दिया था मैंने कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मैं आपके लिए और आसान कर रहा हूं, ठीक है ना, क्लियर हो गया। मैं जो फ्लोचार्ट आपको बता रहा हूं, अगर आपको फ्लोचार्ट याद हो गया, डिफेक्ट आपके बाएं हाथ का खेल है, आपको बस वो फ्लोचार्ट पे ध्यान देना है। ये देखो एक और आसान कर दिया अभी तो मान ले मैंने कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो कैटेगरी के हिसाब से बटेगा, एक अनायन वैकेंसी और एक इंटरस्टीशियल कटायन। मैं आपको समझाता हूं क्या, इसको एक्स्ट्रा कटायन भी बोल सकते हो आप लोग, एक्स्ट्रा कटायन। यहां पर सबसे पहले समझना पड़ेगा कि यहां पर जो मेटल दिया हुआ है ना बच्चों, ये मेटल का मतलब क्या है, ये मेटाफर जैसे इसका मतलब ये हुआ मेटल यहां पर कि एक तो मेटल का मतलब एक्चुअल मेटल एटम है। समझ में आ गया, मेटल का मतलब एक्चुअल मेटल एटम होता है। समझ में आ गया, कोई भी मेटल का एटम जैसे जिंक मेटल का एटम, ये मतलब होगा। इसका दूसरा मतलब जो लिया गया है वो कटायन लिया गया है। समझ आ गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी मेटल का एटम एक्सेस में है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट यानी कटायन एक्सेस में है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो यहां पर मेटल के दो मतलब लिए गए। पहला मतलब क्या है, पहला मतलब उसका यह होता है कि आपका जो मेटल एटम है हम उसकी बात कर लें, या फिर दूसरा क्या है आपका कटायन की बात कर लें। ये न्यूट्रल मेटल एटम मतलब क्या, न्यूट्रल। समझ आ गया, न्यूट्रल मेटल एटम की बात कर रहा हूं मैं। तो ये तो न्यूट्रल एटम ले लो, जैसे जिंक का एटम हो गया, कटायन हो गया Zn+2, ये कटायन है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? तो मेटल का एक मतलब तो न्यूट्रल मेटल एटम है, और मेटल का दूसरा मतलब क्या, कटायन। कटायन क्यों लिया गया उसको मैं आपको समझाता हूं। मेटल हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स, मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है। आपका कोई मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को अगर लूज कर देगा तो इस पे तो प्लस चार्ज आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, कटायन बन जाएगा। इसी वजह से मेटल को एज अ मेटाफर क्या लिया गया, कटायन लिया गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो मेटल के दो मतलब याद रहेंगे, एक तो न्यूट्रल मेटल एटम जो उसका लिटरल मतलब है, दूसरा मेटल का मतलब क्या लिया गया, मेटल के मतलब के पीछे छुपा है कटायन। समझ आ गया, तो जो आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो या तो हो सकता है एक्चुअल आपका न्यूट्रल मेटल एटम प्रेजेंट हो एक्स्ट्रा, या तो हो सकता है आपका कटायन एक्स्ट्रा प्रेजेंट हो। अभी समझाता हूं मैं, तो मेटल का मतलब समझ में आया। अब क्या, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो है अब दो तरीके से हो सकता है।
अनायन वैकेंसी की वजह से या फिर इंटरस्टिशियल कटायन की वजह से। अब मैं इसको आपको समझाता हूं कि कैसे होगा। एक में आपको समझ में आ रहा है मेटल एक्सेस में होगा और दूसरे में क्या होगा, मेटल की डेफिशिएंसी होगी, मतलब कमी होगी। समझ आ गया? तो नॉन स्टोइकोमेट्रिक में क्या होगा, एक डिफेक्ट में मेटल एक्सेस में होगा, दूसरे में क्या होगा, मेटल की कमी होगी, यानी कटायन की कमी होगी, यहां पर कटायन एक्स्ट्रा होंगे। समझ में आ गया? वो दो कैटेगरी जो है अभी एक एक करके हम लोग समझते हैं। आ जाओ, तो पहला जो है इसमें वो क्या आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट, क्या आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो हम लोग बोलेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, अ न्यूट्रल मेटल एटम और कटायन इज इन एक्सेस, इज इन एक्सेस इन द क्रिस्टल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्रिस्टल में जो आपका न्यूट्रल मेटल एटम है या फिर आपका जो कटायन है वो एक्सेस में वो ज्यादा है, और वो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाता है, वो ज्यादा होने की वजह से मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ जाता है, जिसमें सबसे पहली कैटेगरी क्या है आपकी, अनायन वैकेंसीज। क्या कैटेगरी है? अनायन वैकेंसीज। अब इसका मतलब क्या है, एक क्लासरूम है, पहले समझो सॉरी एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में 20 बॉयज एंड 20 गर्ल्स है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? 20 बॉयज है और 20 गर्ल्स है। अब क्या हो जाए, ध्यान से सुनना, अब मैं क्या चाहता हूं, मैं जो बॉयज है उसको हम लोग कटायन मानेंगे, क्या मानेंगे, कटायन मानेंगे, और गर्ल्स को अपन क्या मानेंगे, अनायन मानेंगे, क्या मानेंगे, अनायन मानेंगे, ठीक है ना। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कटायन एक्सेस में हो जाए, यानी बॉयज एक्सेस में हो जाए। तो बॉयज एक्सेस में करने का क्या तरीका हो सकता है, या तो आप क्या करो बोलो, या तो आप एक बॉय एक्स्ट्रा ले आओ, 20 से 21 कर लो, तब कटायन क्या हो जाएगा, यानी बॉयज क्या हो जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। या तो आप क्या कर लो, अनायन में से एक कमी कर लो, यानी गर्ल्स में से एक को निकाल लो। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो दोनों तरीके से क्या हो सकता है आपका, मेटल एक्सेस में आ सकता है। बात समझ में आ गई? या तो आप क्या करेंगे, या तो आप कटायन को क्या करेंगे, एक्सेस में ले आएंगे, या तो आप क्या करेंगे, अनायन को निकाल देंगे। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यही आपको समझना है, यही दो टाइप के डिफेक्ट है। एक में क्या करेंगे, एक्स्ट्रा कटायन आ जाएगा, तब मेटल क्या हो जाएगा, यानी कटायन क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। एक में अनायन को बाहर निकाल लेंगे, अनायन बाहर निकल लेंगे तो कटायन क्या हो जाएगा, अपने आप एक्सेस में हो जाएगा। समझ आएगा? नहीं, गर्ल्स को बाहर निकालेंगे तो 19 गर्ल्स हो जाएगी, 20 बॉयज हो जाएंगे, यानी 20 कटायन हो जाएंगे, 19 अनायन हो जाएंगे, अपने आप क्या हो गया, जो आपका कटायन है वो एक्सेस में आ गया। समझ आ गया? यही आपको समझना है, वही दो टाइप के डिफेक्ट्स है। उसमें सबसे पहला क्या है, अनायन वैकेंसी, मतलब गर्ल्स की वैकेंसी। गर्ल्स की वैकेंसी मतलब क्या, मतलब ये एक अनायन वहां से गायब हो जाएगा। समझ में आ गया? तो अनायन वैकेंसीज में क्या होगा, अनायन वैकेंसी में ये होगा, देखो ध्यान से, व्हेन एन अनायन, अनायन समझता है ना, नेगेटिव आयन, अनायन यानी नेगेटिव आयन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिसाइट। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक अनायन उसकी लैटिस साइट से मिसिंग है तो हम कहेंगे ये अनायन वैकेंसी है। देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज अनायन वैकेंसी डिफेक्ट, जो कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स का डिफेक्ट का एक कैटेगरी है। अब इसको समझने के लिए ना आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेना पड़ेगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। NaCl सब जानते हैं, सोडियम क्लोराइड हमारा नमक। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं मैं, कलर से रिलेटेड, एफ सेंटर से रिलेटेड, पूरा दिमाग में बैठ जाएगा तुम्हारे। ध्यान से सुनो, देखो ध्यान से आप क्या करते हैं, आप ना एक क्रिस्टल लेते हैं NaCl का, तो यहां पर आपने लिया Na+, फिर आपने क्या कर दिया, यहां पर लिया ऐसे Cl-, फिर आप यहां पर क्या करेंगे Na+, फिर यहां पर क्या होगा Cl-, Na+, Cl-, Na+, Cl-, ठीक है, ऐसे हमने क्या कर दिया, कोई क्रिस्टल ले लिया, ठीक है। बहुत इंफॉर्मेटिव लेक्चर है, देखो ध्यान से, सब तुम लोगों को क्लियर होते जाएगा। तो ये आपके पास Cl- है, ये आपके पास क्या है Na+ है, ये Cl- है, ये आपका मान लो Cl- है, ठीक है, और यहाँ आपके पास क्या है Na+ है, फिर Cl- है, Na+ है, फिर आपके पास क्या है Na+ है, Cl- है,
Na प्लस है, Cl माइनस है, ठीक है ना। एक दो तीन चार पाँच छ, छ आपके पास क्या है, Na प्लस है। एक दो तीन चार पाँच छ, छ आपके पास क्या है, Cl माइनस है। समझ में आ गया, याद रखना Na प्लस कितने हैं, छ है, Cl माइनस कितने हैं, वो भी क्या है, छ है। समझ आया, क्लियर, याद रखना इसको, ठीक है। चलो भाई, अब इसके बाद क्या, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, कटाइंग या न्यूट्रल मेटल एटम एक्स्ट्रा होगा, ठीक है ना। या उसमें पहला वाला कैटेगरी क्या है आपका, अनायन वैकेंसी, जिसमें क्या होगा, अनायन गायब होगा, ठीक है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये अनायन वैकेंसी के बारे में पढ़ रहे हैं। ऊपर का मैं रब कर देता हूँ, मुझे जगह चाहिए अभी, इसका मैं अभी रब कर देता हूँ। छह एन ए प्लस है और छह सी एल माइनस है, ध्यान रखो उसका, ठीक है, क्लियर है, आ जाओ। अब इसके बाद क्या होगा, अपन क्या करते हैं, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अपन क्या करते हैं ना, अपन यहां पर Na एटम जो गैसियस एटम है उसके वेपर्स क्या करते हैं, इसके ऊपर ऐसे हम लोग क्या करते हैं, छोड़ते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यानी इसको क्या कर दिया हमने, Na प्लस ए, Na गैस एटम के क्या कर दिए, वेपर्स छोड़े, यानी उसके एटमोस्फेयर में अपन ने उसको रखा। बात समझ में आ रही है, तो NaCl का क्रिस्टल लिया, नमक का क्रिस्टल लिया, और यहां साइड से क्या कर दिया, Na गैस एटम के क्या कर दिए, वेपर्स अपन ने छोड़ दिए। समझ आ गया, हीट भी कर रहे हैं अपन इसको। Na जो है आपका, Na ये एक ऐसा एटम है जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम है। आयनाइजेशन एनर्जी मतलब क्या, उसके अंदर से, उस एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत आसान होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर। तो यहां पर इसकी जो Na गैस है ना, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत लो होती है। अगर लो होती है तो ये आसानी से क्या करता है पता है आपको, हीट करने पे, हीट भी कर रहे हैं नीचे से, आसानी से क्या करता है, आपके इलेक्ट्रॉन को छोड़ देता है और क्या बन जाता है, Na प्लस बन जाता है। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, अनायन वैकेंसी अपन पढ़ रहे, जिसमें अपन ने क्या कर दिया, नमक का क्रिस्टल लिया Na प्लस का, और क्या कर दिया, Na प्लस के वेपर्स को उसके ऊपर छोड़े। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। Na का जो है, Na गैसियस एटम जो है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, मतलब थोड़ी सी भी हीट देंगे वो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देगा। समझ आ गया। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के फेंक देता है, ध्यान से सुनना, ये जो Na प्लस है ना, वो बाहर निकाल के फेंकने के बाद यहां पर आकर के डिफ्यूज हो जाता है। कौन, Na प्लस यहां पर आकर के क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, तो Na प्लस क्या होता है, डिफ्यूज हो जाता है। अब क्या होगा, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अब क्या होगा, ये Na प्लस यहां पर आकर के डिफ्यूज हो जाता है, इस पे चार्ज क्या है, पॉजिटिव। ये क्या करता है, अंदर के क्लोरीन वाले आयंस को खींचना शुरू कर देता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कि अंदर के क्यों, इस पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस चार्ज है, ये खींचना शुरू कर देगा। तो ये जैसे अपन ने क्या कर दिया, इसके वेपर्स भेजे, वेपर्स भेजने के बाद वो गर्म था, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंक दिया, Na प्लस बना, Na प्लस बनने के बाद वो क्या करता है, इसके सर्फेस पे, नमक के क्रिस्टल के सर्फेस पे आकर के जमा हो जाता है, और इस पे प्लस चार्ज है, अंदर वाले क्लोरीन पे माइनस चार्ज है, वो अंदर के क्लोरीन को खींचना शुरू कर देगा। ऐसे बहुत सारे Na प्लस यहां पर होंगे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। एक की हम लोग बात करें समझने के लिए, तो Na प्लस क्लोरीन को खींचेगा Cl माइनस को, तो एक Cl माइनस जो निकल करके भाई यहां पहुंच जाएगा, तो एक Cl माइनस इसके साथ में ऐड होकर के क्या बना देगा, NaCl बना देगा। तो एक Cl माइनस यहां से निकल गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। अब क्या, Cl माइनस क्या है, अनायन है, नेगेटिव आयन है। तो अगर Cl माइनस नेगेटिव आयन है तो इस क्रिस्टल में एक वैकेंसी क्रिएट हो गई, किसी का एब्सेंस आ गया ना, अनायन का एब्सेंस आ गया, वो वैकेंसी किसकी क्रिएट हुई, अनायन की। इसी वजह से इस टाइप की डिफेक्ट को क्या कहते हैं, अनायन वैकेंसी वाला डिफेक्ट। समझ में आ गया, फिर से रिवाइज करें, फिर से रिवाइज करें, बहुत आसान है। अपन ने क्या कर दिया, NaCl का क्रिस्टल लिया और साइड से क्या कर दिए, उसको एटमॉस्फेयर में रखा, किसके, Na गैस के, साइड से क्या कर दिए, Na के अपन ने क्या कर दिए, वेपर्स को भेजा। अब क्या होता है, हीट भी कर रहे हैं, तो Na की आयनाइजेशन एनर्जी कम है, वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, Na प्लस बनेगा, वो सरफेस से डिफ्यूज हो जाएगा, Na प्लस पे पॉजिटिव चार्ज, Cl माइनस पे नेगेटिव चार्ज, वो Cl माइनस को खींच करके क्या बना देगा, NaCl बना देगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। अच्छा, यहां से NaCl माइनस निकल करके वहां पहुंचा, यहां पर क्या हो गया, एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। इसी वैकेंसी को अपन क्या कहते हैं, इसी वैकेंसी को अपन कहते हैं अनायन वैकेंसी डिफेक्ट। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अच्छा मुझे बताओ जरा, Na प्लस कितने थे, छह थे ना, छह थे, Cl माइनस कितने थे, छह थे, अब कितने बच गए, अब बच गए पांच। कुछ समझ आ रहा है, तो Na तो थे अपने छह, Cl जो थे वो थे छह, लेकिन अब क्या बच गया, वो तो पांच बच गया। अगर वो पांच बच गया तो पहले क्या था, पहले अर्लियर ऐसे था, इसको ऐसे लिखा जा सकता है Na6 और Cl6।
समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है ना, समझाने के लिए तुमको ही, ठीक है? एक्चुअली ऐसा नहीं होता है वो, लेकिन इससे समझ में आती है बात कि नॉन स्टोइकोमेट्री क्यों बन रही है। अब बताओ क्या होगा, अब बताओ क्या होगा, अब हो जाएगा Na प्लस सिक्स और ये क्या हो जाएगा Cl माइनस क्या हो जाएगा फाइव। सिंपलेस्ट रेशियो में लिखो, फाइव से डिवाइड करो, बताओ क्या होगा। सिक्स को फाइव से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1. Na प्लस 1.2 और Cl माइनस क्या हो जाएगा फाइव, यानी Na 1.2 और Cl क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? स्टोइकोमेट्री पहले क्या थी, पहले थी NaCl, उससे क्या बन गई Na1.2Cl। बात समझ में आ रही है? ऐसे नहीं होता ये, लेकिन इससे आइडिया जरूर मिल जाता है कि वहां से अनायन की कमी आ गई। अच्छा सर, अनायन की कमी आ गई, हाँ अनायन की कमी आने की वजह से उसकी स्टोइकोमेट्री देखो बदल गई, फॉर्मूला बदल गया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये फंडा है आपका इसके पीछे, ठीक है ना। चलो ये भी अपने को समझ में आया। अब क्या, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी सब कवर करना है मुझे एक एक करके, सब बताता हूं मैं, देखो ध्यान से। अब क्या, इसमें समझने की कोशिश करो कि याद रखो मैं क्या बोल रहा हूं, याद रखो, कोई भी डिफेक्ट हो वो क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती। अगर वो डिफेक्ट आने से पहले न्यूट्रल था तो डिफेक्ट आने के बाद भी वो न्यूट्रल ही रहेगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? कोई भी डिफेक्ट हो उस क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं होती, वो पहले भी न्यूट्रल था तो वो बाद में भी क्या होगा, न्यूट्रल ही रहेगा। समझ में आ गया? लेकिन यहां तो गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई बताओ? यहां पर गड़बड़ ये हो गई कि सर Na प्लस तो बच गए 6, Cl माइनस बच गए 5, यानी इस पर प्लस 1 का चार्ज आ गया, एक चार्ज। अरे 5 Na प्लस को 5 Cl माइनस क्या कर देंगे, काट देंगे, लेकिन एक Na प्लस तो बचा छठा वाला, तो वो Na प्लस को काटेगा कौन? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई? नहीं, डिस्टर्ब नहीं हुई बेटा, डिस्टर्ब नहीं हुई। यहां पर Na प्लस ये जो है, यहां से तो इसने Cl माइनस को खींच लिया, लेकिन इसने कुछ छोड़ भी दिया। क्या छोड़ा? इलेक्ट्रॉन भी तो छोड़ा है। वो इलेक्ट्रॉन आकर के यहां पर बैठ जाता है, तो जो एक आपके पास नेगेटिव चार्ज की कमी थी वो पूरी कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन करेगा। तो 6 पॉजिटिव चार्ज तो 6 नेगेटिव चार्ज, अभी भी क्या हुआ? न्यूट्रल। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्लियर है? तो यहां पर जहां से एनायन निकला है, यहां से हमारा क्लोरीन आयन निकला था, वहां पर आकर के कौन बैठ गया? इलेक्ट्रॉन बैठ गया। और वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, प्रिजर्व करता है। बात समझ में आ गई? क्लियर है? इसके बाद ध्यान से सुनो, जहां पर इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप हुआ उनको कहते हैं एफ सेंटर्स। क्या कहते हैं उनको? एफ सेंटर्स। एफ एक जर्मन वर्ड से बना हुआ है, फर्बन जेंटर। क्या बोलते हैं इसको? फर्बन जेंटर। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? इसका मतलब होता है कलर सेंटर। क्या मतलब होता है उसका? कलर सेंटर। ये समझ में आ गया? यहां तक क्लियर हुआ? फिर से बताऊं, हमने क्या किया? हम क्या पढ़ रहे हैं पहले बताओ। मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन स्टोइकोमेट्री में मेटल एक्सेस डिफेक्ट में सबसे पहला क्या पढ़ा? सबसे पहला एनायन वैकेंसी के लिए क्या एग्जांपल लिया? एनायन वैकेंसी के लिए एग्जांपल अपन ने क्या लिया? NaCl का क्रिस्टल लिया। किसको छोड़ा? Na के वेपर्स को छोड़ा। Na के गैसेस एटम क्या होंगे? हीट करने पे Na+ इलेक्ट्रॉन को Na+ बन जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगे। Na+ क्या हो जाएगा? सरफेस पे डिफ्यूज हो जाएगा। Na पे चार्ज क्या है? प्लस चार्ज है। क्लोरीन पे चार्ज क्या है? माइनस चार्ज है। Na+ क्या करेगा? Cl- को खींचेगा। Na+ Cl- क्या होगा? मिल करके NaCl बना देंगे। लेकिन यहां से तो क्लोरीन चला गया, वो क्लोरीन जो चला गया वो अनायन था, तो यहां पर अनायन की वैकेंसी आ गई। यहां पर आपका स्टोइकोमेट्री डिस्टर्ब हो गया और साथ साथ में यहां पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई थी। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मैंने कहा कभी भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, तो जो इलेक्ट्रॉन बचा हुआ था वो आकर के अनायन की वैकेंसी में ट्रैप हो जाता है। जो इलेक्ट्रॉन आकर के ट्रैप हो जाएगा जिस अनायन की वैकेंसी में, उस सेंटर को, उस पोजीशन को क्या बोलेंगे? एफ सेंटर बोलेंगे। एफ सेंटर जर्मन वर्ड से बना है, फर्बन सेंटर। और जो आपका फर्बन सेंटर है उसको कहते हैं कलर सेंटर। अब हम आते हैं कलर सेंटर पे। समझ आया? क्लियर हो गया? यहां तक तुम्हारे दिमाग में बैठ जाना चाहिए, ठीक है? क्लियर है? मैंने वैसे ही पढ़ा है कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा, पूरा प्रोसीजर तुमको याद हो जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं। एफ सेंटर को कलर सेंटर क्यों कहते हैं? कलर सेंटर इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने NaCl देखा ही होगा, नमक NaCl क्या होता है बच्चों? व्हाइट होता है। जब उसको आप हीट करते हैं ना, हीट करने पर NaCl जो आपका है वो येलो हो जाता है।
NaCl क्या हो जाता है, येलो हो जाता है, याद रखना है आपको ये। तो जैसे आप उसको हीट करते हैं NaCl को, तो हीट करने पर येलो हो जाता है। येलो क्यों हो गया, कलर क्यों चेंज कर दिया? तो बहुत आसान है, आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा 11th स्टैंडर्ड में कि जब इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर एनर्जी लेवल पे होता है और उसको एनर्जी अपन देंगे, एनर्जी लेकर के वो क्या करेगा, हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा और 1 नैनोसेकंड के अंदर अंदर क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन वापस से अपने वापस से स्टेट पे आ जाता है, ग्राउंड स्टेट पे यानी, या फिर जो भी स्टेट से आया था वो स्टेट पे आता है और यहां से क्या करता है, फोटोन को रिलीज कर देता है। ये फोटोन अगर विजिबल रेंज में होगा तो आपको लाइट नजर आएगी, यही होता है यहां पर। आप इसको हीट करते हैं, NaCl वाइट था, हीट किया, हीट करने से क्या होगा, हीट करने से ये होगा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन था ना, जो ट्रैप था एफ सेंटर में, वो क्या करेगा बताया आपको, वो एनर्जी मिली, एनर्जी मिली तो क्या करेगा, हाई एनर्जी लेवल पे जाएगा, हाई एनर्जी लेवल से कुछ टाइम में क्या होगा, लोअर लेवल पे आएगा तो एक फोटोन रिलीज कर देगा और वो विजिबल रेंज में होता है, इस वजह से आपको उसका कलर नजर आना शुरू हो जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसी वजह से उसको कलर सेंटर कहा जाता है, क्योंकि ये एफ सेंटर्स की वजह, एफ सेंटर्स में जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है उन्हीं की वजह से उसका कलर नजर आ रहा है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये फंडा है इसके पीछे का। मैंने आई होप मैंने पूरे पॉइंट्स क्लियर कर लिए, हर पॉइंट को क्लियर कर दिया, सारे चीजें आपको समझाती कि नॉन स्टाइकियोमेट्रिक क्यों बोलते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व हो रही है, अनायन वैकेंसी नाम क्यों पड़ गया, एफ सेंटर्स क्या होते हैं और कलर सेंटर क्यों बोला जाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है? आई होप मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर लिए, आपके स्टेट बोर्ड के, NCERT के, आपके एंट्रेंस के सब पॉइंट्स कवर कर लिए मैंने। तो मैं आ गया अलग से इसके, हमारे नोट्स में अलग से इसका कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज है, वो पूरा का पूरा अपन करेंगे, बिल्कुल भी फिक्र नहीं करना उसकी, ठीक है? चलो भाई, तो ये अपने को समझ में आ रहा है। इसके बाद अभी क्या पढ़ना है बताओ, मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बाद क्या पढ़ना है, अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, अब मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी यहां पर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो नॉन स्टाइकियोमेट्री यानी अगर मेटल एक्सेस में है तो भी क्या होता है, तो भी क्या हो सकता है, मेटल एक्सेस में है आपका तब भी आपका हो सकता है। नहीं, एक और चीज रहेगी, क्या एक्स्ट्रा का टाइम रह गया ना, सॉरी वो बताना पड़ेगा, एनाइन वैकेंसी हुई है, एक्स्ट्रा बच गया, अभी कौन सा बच गया, जो आपका इंटरस्टिशियल कटाइन वाला पार्ट है, इंटरस्टिशियल कटाइन, ये पहले समझा देता हूं मैं, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, मेटल डेफिशिएंसी वाले पे चले जाएंगे, ठीक है? इंटरस्टिशियल कटाइन, इंटरस्टिशियल कटाइन में क्या होगा, इंटरस्टिशियल कटाइन या फिर इसको न्यूट्रल एटम भी कह सकते हो, ठीक है? दोनों हो सकता है, ठीक है? ध्यान रखना NCERT इसको कवर नहीं करता, स्टेट बोर्ड इस पॉइंट को कवर करता है कि अगर आपके इंटरस्टाइसिस में, मतलब क्या, आपके वॉइड्स जो बनते हैं, वॉइड्स में जाकर के कोई न्यूट्रल एटम बैठ जाए या आपका कोई कटायन बैठ जाए तो क्या हो जाएगा, यहां पर आपका मेटल एक्सेस में आ जाएगा। देखो वापस से बताता हूं, हमारे कौन थे कटायन, कौन थे बॉयज थे, हमारे अनायन कौन थे गर्ल्स थी, है ना? समझ में आ गया। अब ये कौन सा अपन डिफेक्ट पढ़ रहे हैं, मेटल डेफिशिएंसी या मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस का ही कैटेगरी पढ़ने, यानी अभी भी मेटल एक्सेस में है, समझ आ गया, क्लियर है? अब मेटल एक्सेस का क्या एक तरीका बताया था मैंने, क्या कर दो, 20 लड़कियों में से एक लड़की को कम कर दो तो 19 गर्ल्स हो जाएंगे और 20 बॉयज हो जाएंगे, समझ आ गया? तो बॉयज बढ़ गए। या फिर दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है इसके अंदर कि आप क्या कर दो, एक बॉय को बढ़ा दो, एक बॉय बढ़ जाएगा तो क्या होगा, 21 बॉयज हो जाएंगे और आपके 20 क्या हो जाएंगी, गर्ल्स हो जाएंगी। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, बिल्कुल ऐसे ही यहां पर अपन यही करने वाले। पहले क्या कर दिया, गर्ल को कम करके मेटल को एक्सेस में कर दिया, अब बॉय को बढ़ा करके क्या कर रहे हैं, मेटल को एक्सेस में कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यहां पर बहुत सिंपल है, हम लोग क्या कर देंगे, इंटरेस्ट जो टाइसेस होते हैं हमारे उसमें अपन क्या करते हैं, न्यूट्रल एटम या कटायन को बिठा देते हैं, ठीक है? व्हेन अ न्यूट्रल एटम, और कटायन इज ट्रैप्ड बिटवीन इंटरस्टाइसिस, देन ट्रैप्ड बिटवीन इंटरस्टाइसिस, देन तब क्या होगा, देन दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड एज आपका कौन सा है वो, इंटरस्टिशियल कटायन डिफेक्ट। उस हम लोग डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरस्टिशियल कटायन डिफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गया, क्लियर है? तो ये टाइप का हमारा क्या हो गया, डिफेक्ट
हो गया, बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो इस तरीके से अपन क्या करते हैं इसको अभी समझेंगे। तो बेसिकली क्या होगा, हमारे इंटरस्टाइसिस में कौन बैठेगा, अभी कटायन बैठेगा। आई मैं आपको समझाता हूं कि हो क्या होता क्या है यहां पर, बहुत सिंपल है, आई होप आपको ये तो क्लियर होगा। यहां पर आपको पता है ना आपको क्या करना है, आपको कटायन को बढ़ाना है, यानी क्या करना है, एक बॉय आपने एक्स्ट्रा डाल दिया, अब वो कहां से आएगा वो मैं आपको समझाता हूं, देखो आप लोग ध्यान से, ठीक है? देखो तो आप लोग एग्जांपल के तौर पे क्या करेंगे, अभी जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल लेंगे, ZnO, समझ में आ गया, जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल। इसको बच्चों जब हीट करते हैं ना आप, जिसको आप हीट करते हैं तो ये क्या करता है, Zn2+ देता है आपको, Zn2+ प्लस हाफ O2 ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, समझ में आ गया? तो ZnO को जब आप क्या करते हीट करते तो स्प्लिट हो जाता है, Zn2+ हाफ O2 प्लस क्या हो जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन्स, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो इस तरीके से आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपका ZnO हो जाएगा। यहां तक समझ में आ गया भाई? ये तो गैस है ना, ये O2 तो गैस, ऑक्सीजन तो, ये तो निकल लेगी अपना गैस, तो बचेंगे कौन, ये बेचारे हमारे बच जाएंगे, कौन कौन, Zn2+ बचेगा और कौन बचेगा, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे हमारे, ठीक है ना? तो आइए इसको अब समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। तो आप लोग क्या करो, एक क्रिस्टल ले लो, किसका, ZnO का क्रिस्टल ले लो, यानी क्या मैं आपको समझाता हूं कैसे होता है। चलिए डायग्राम तो आप लोग बनाना अब तक सीख गए होंगे, ठीक है? चलो आ जाओ, ऐसे। अब क्या, ये आपका क्या है, Zn2+ O2-, Zn2+ O2-, समझ में आ गया, Zn2+ O2-, Zn यहां पर O2- लिखो, O2-, फिर ये आपका क्या है, Zn2+, फिर क्या हो जाएगा, O2-, Zn2+ O2-, Zn2+ O2- Zn2+, समझ में आ गया? इस तरीके से आपके पास ZnO का क्रिस्टल है। अब आपने क्या कर दिया, जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को आपने हीट करना शुरू किया। जैसे आप इसको हीट करते हैं तो हीट करेंगे तो क्या होगा, तो ZnO है, ZnO टूट करके क्या बनता है, Zn2+ और आपका हाफ O2, यानी बेसिकली क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन गैस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो होता क्या है आपको पता है, होता यह है कि यहां पर आपका जो Zn2+ है वो यहां कहीं इंटरस्टाइसिस में आकर के क्या हो जाता है, ट्रैप हो जाता है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ऑक्सीजन तो अपना निकल लिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर क्या हो गया, अनायन की कमी हो गई। ऑक्सीजन तो निकल चुका ना, अब ZnO था उसको हीट किया, ऑक्सीजन अपना निकल गया, तो यहां पर प्लस 2 का चार्ज बढ़ गया, पहले जितने Zn+2 थे उतने O2- थे, बात समझ में आ रही है? अब क्या हो गया, ऑक्सीजन अपना निकल लिया तो कौन बचा, Zn+2 बचा, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन अपने चार्ज निकल के निकल गया, मतलब 2 नेगेटिव चार्ज की कमी हो गई, समझ आ गया? तो होता क्या है, देखो यहां पर ये आपके पास बचा हुआ है, समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। ये बचने की वजह से क्या होता है, दो जो नेगेटिव चार्जेस की कमी है, इसके आजू बाजू के इंटरस्टाइसिस में इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं। तो जैसे आपने क्या कर दिया, ZnO क्रिस्टल को आपने हीट किया, तो उसमें से जो कटायन बचता है वो एक इंटरस्टिशियल प्लेस पे जाकर के क्या करता है, ऑक्यूपाई हो जाता है, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है? और 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आकर के क्या हो जाएंगे, उसके आजू बाजू के इंटरस्टाइसिस में, इंटरस्टिशियल वॉइड में आकर के बैठ जाएंगे, इससे 2 नेगेटिव चार्जेस भी आ गए, और 2 पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए, यानी बेसिकली हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होगी, प्रिजर्व होगी, और कटायन क्या हो गया, देखो कटायन एक्स्ट्रा हो गया, कटायन एक्स्ट्रा, इलेक्ट्रॉन थोड़ी अनायन है, इलेक्ट्रॉन तो पार्टिकल है, O2- अनायन था, तो कटायन तो यहां पर क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया, ये कटायन एक्स्ट्रा आ गया, कटायन मतलब मेटल, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, बात समझ में आ रही है, इसलिए कहा जाता है इसको इंटरस्टिशियल कटायंस, क्या कहा जाता है, इंटरस्टिशियल कटायंस, बात समझ में आ रही, क्लियर है? तो उसको आप लोग याद रखेंगे कि जैसे आप क्या करते हैं, ZnO का एग्जांपल आपकी बुक में भी दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है कि आप उसको हीट करेंगे तो वो ऐसे टूट जाता है, और जो आपका कटायन बचता है वो कहां जाता है, इंटरस्टिशियल वॉइड में बैठ जाता है, आजू बाजू में क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन उसकी जगह ऑक्यूपाई कर लेंगे, और गैस अपना क्या होगी, निकल लेगी, ऑक्सीजन तो गैस थी, तो उसके वजह से जो 2 नेगेटिव चार्ज कम हुए उसकी भरपाई कौन करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स कर देते हैं, बात समझ में आ गई, क्लियर है? इसको भी हीट करने पर ये भी वाइट होता है, इसको भी हीट करने पर ये येलो हो जाता है, रीजन बताओ जल्दी से, जल्दी बोलो रीजन क्या होगा हीट करने पे। अरे बहुत सिंपल है, क्या होता होगा, इलेक्ट्रॉन आए ना यहां पर, इलेक्ट्रॉन आने की वजह से क्या होता है,
इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये होगा कि यहां पर जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो हायर एनर्जी लेवल पे आएंगे, हायर से जब लोअर आएंगे तो क्या होगा, कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे, वो आपको नजर आने लगेगी और वो आपको येलो नजर आएगा। इस वजह से ये भी क्या करता है, आपको येलो कलर दिखाता है, यानी बेसिकली कलर दिखाता है। बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। इसको एफ सेंटर नहीं बोलेंगे आप, एफ सेंटर तो जो और नेगेटिव आयन की जगह पे बैठता है उसको एफ सेंटर बोलते हैं। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं, ये एफ सेंटर नहीं है, ठीक है। चलो भाई, ये भी अपने को समझ में आया, तो यहां तक तो अपने को क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ये तो समझ में आ रही बात अपने को। तो यहां तक अपन ने क्या कर लिया, ये सारी चीजें कवर कर ली, आपका मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अनायन वैकेंसी और इंटरस्टिशियल कटायन, वो दोनों आपको मैंने क्या कर दिया, समझा दिया, ठीक है ना। कुछ और कंपाउंड्स है जिनका कलर चेंज होता है, तो वो अब तक जेई में नीट में कभी पूछा नहीं गया भाई, तो आपको सीटी में भी कभी नहीं आया उसके ऊपर। तो वो जो है मैं आपको लिखा देता हूं, वो आपको याद रखना है, क्योंकि हो सकता है वो पूछ ले आपको। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो भाई, तो इसको मैं रब कर देता हूं, आई होप ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं समझे तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद अभी क्या बच गया हमारा, इसके बाद अभी हमारा बच गया है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, वो भी समझना जरूरी है, वो भी दिमाग में जाता नहीं जल्दी से, बहुत आसान है वो भी समझना, आप लोग बिल्कुल फिक्र नहीं करें, सब समझ जाएंगे आप लोग आसानी से, ठीक है। वो लिखा दूं जरा मैं आपको, नोट्स में दिया हुआ वैसे, लेकिन मैं फिर भी लेक्चर में उसको कवर कर लेना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखो ध्यान से, यहाँ पर क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो है हमारा NaCl क्या करेगा, NaCl वाइट होता है, ठीक है ना, उसको यानी बेसिकली NaCl को हीट करने पे क्या करेगा, वो येलो कलर बताएगा। समझ में आ गया। KCl क्या करता है, KCl आपको वायलेट कलर बताता है, क्या कलर बताता है, वायलेट। समझ में आ गया, क्लियर है। और उसके बाद वायलेट का दूसरा नाम लिलैक भी है, समझ में आ गया, क्या बोल रहा हूँ, लिलैक कलर भी कहते हैं वायलेट को, समझ में आ गया। और तीसरा जो आपका कंपाउंड है जिसको आपको याद रखना है, LiCl, इसको हीट करने पे क्या करता है, ये पिंक कलर बताता है। समझ में आ गया, इसको याद कर लो तो आपके लिए बेहतर है, क्योंकि अब तक आया नहीं है तो हो सकता है अभी आ जाए एग्जाम में, ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये भी आपको समझा दिया मैंने, अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट पे जाते हैं, उसको मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। चलो भाई, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि अब तक आया नहीं तो हो सकता है अभी आ जाए एग्जाम में, ठीक। चलो, तो इसके बाद क्या है, इसके बाद अभी अपने को क्या पढ़ना है, इसका दूसरा पार्ट पढ़ना है नॉन स्टाइकोमेट्रिक का, वो दूसरा पार्ट क्या है, मेटल डेफिशियंसी, मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट। तो पहले में क्या कर रहे थे, पहले में हमने क्या कर दिया, मेटल को एक्सेस में ले आया, एक्सेस में कैसे ले आया, या तो हमने गर्ल को कम कर दिया या तो बॉय को एक्स्ट्रा कर दिया, ये दो तरीके थे। अब मेटल की डेफिशिएंसी होगी, मतलब बॉय की कमी होगी, तो क्या कर दो, बॉय को कम कर दो। बात समझ में आ गई, इतना सिंपल है ये, तो है ना। तो यहां पर मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या होगा, व्हेन अ कटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स इंटरस्टिशियल साइट। समझ में आ गया, जब कोई कटायन क्या होगा, उसकी इंटरस्टिशियल साइट से क्या होगा, मिसिंग होगा, ये बड़ी गड़बड़ करेगा आपके साथ में। क्यों क्यों, इसीलिए इस गड़बड़ करेगा, क्योंकि यहां पर जो चार्ज न्यूट्रलिटी है उसको प्रिजर्व करने बच्चे को नहीं समझता है, क्योंकि उनको रिडॉक्स का ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता। कोई बात नहीं, उतना बेसिक बता दूंगा कि तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने से पहले पहले मैं रिडॉक्स पढ़ाऊंगा आपको, हम पहले रिडॉक्स नहीं समझेगा तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कुछ पल्ले नहीं पढ़ने वाला है, कोई सवाल हल नहीं होंगे तुमसे। पहले तो मैं रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, पूरा बेस बनाते हुए चलूंगा आपका धीरे धीरे करके, ठीक है। चलो भाई, तो मैंने कटायन इज मिसिंग फ्रॉम इट्स इंटरस्टिशियल साइट, देन दिस डिफेक्ट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। समझ में आ गया, उसको बोलते हैं मेटल की डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मैंने कहा था ना, मेटल का मतलब क्या लेना, अपने को कटायन लेना। एग्जांपल बच्चों लेते हैं FeO का, इसका एग्जांपल लेते हैं, FeO का एग्जांपल लेते हैं। तो FeO के एग्जांपल में क्या होगा, क्रिस्टल बना लेते हैं, इससे बहुत आसानी होती है आपको समझने में। तो Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, Fe2+ O2-, Fe O2-, न्यूट्रलिटी प्रिजर्व नहीं हो पाएगी, गड़बड़ कर दोगे। Fe2+
O2 माइनस Fe2 प्लस, यहाँ पर भी वही लिखो Fe2 प्लस O2 माइनस Fe2 प्लस O2 माइनस, ठीक है। तो ये आपके पास अभी है, ठीक है ना। अब क्या होता है इसके अंदर से, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। अब क्या होता है इस डिफेक्ट में, कहीं पर क्या होता है, किसी भी तरीके से कुछ भी हो सकता है, वो तरीका हीट कर दो कुछ भी कर दो, किसी भी तरीके से यहां से क्या होता है ना, एक जो है आपका कटायन मिसिंग होता है इस डिफेक्ट में। क्या होता है आपका, कोई एक कटायन क्या है, मिसिंग होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। जब एक कोई कटायन यहां पर मिसिंग होगा तब यहां पर बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। जब एक कटायन मिसिंग होगा तो क्या होगा, प्लस टू का चार्ज यहां पर मिसिंग है, यानी पहले जितने प्लस थे उतने माइनस थे। अब क्या हो रहा है, किसी भी तरीके से एक कटायन हो गया मान लो मिस, है ही नहीं एक कटायन इसके अंदर। जब एक कटायन इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, अरे भाई इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर माइनस टू का चार्ज एक्स्ट्रा है। समझ आ रहा है, पहले जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव थे, ये Fe प्लस टू को क्या कर रहा था, कोई O2 माइनस बैलेंस कर रहा था, अब एक Fe2 प्लस टू चला गया तो उस O2 माइनस को बैलेंस करने वाला कोई Fe प्लस टू बचा ही नहीं, यानी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या हुई, प्रिजर्व नहीं रहेगी ऐसे। तो ये कौन शो करता है पता है, ये वो शो करते हैं जो एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर बताते हैं। मैं आपको बताता हूं, जैसे Fe जो है वो दो ऑक्सीडेशन नंबर बताता है, प्लस टू और प्लस थ्री बताता है। तो होता क्या है, अब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। ये तो इतना ही है कि यहां पर कोई कटायन क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, इसमें कुछ समझने लायक का नहीं है। वैसे अपने को आसानी समझ में आता है कि कटायन गायब हो जाएगा तो क्या बोलेंगे उसको, उसको बोलेंगे मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, कटायन की कमी आ गई। लेकिन सवाल ये है इसमें, समझने वाली चीज ये है कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कैसे प्रिजर्व होगी, क्योंकि कोई भी आपका जो क्रिस्टल होता है वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो वो कैसे प्रिजर्व होगी, तो वो प्रिजर्व करने का तरीका ये होता है, समझो जरा, कि यहां पर जो आपका एक Fe प्लस है ना, कोई Fe प्लस टू क्या करेगा, प्लस थ्री का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्या करेगा, प्लस थ्री का बताएगा, और दूसरा वाला कोई एक होगा यहां का, ये होगा मान लो, ये भी क्या करेगा, प्लस थ्री का ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं मैं, तो देखो यहां का प्लस वन प्लस थ्री हो गया, मतलब प्लस टू तो था, एक ऐड हुआ, यहां से भी एक ऐड हुआ, मतलब वो जो ओ टू माइनस बचा था उसको न्यूट्रलाइज कर दिया गया। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। तो यही आपको समझना है कि यहां पर आपका जो क्रिस्टल है उसमें से कोई एक कटायन क्या होगा, गायब होगा, पॉजिटिव चार्ज गायब होगा। ये तो कोई बड़ी बात नहीं, अपने को समझ में आता है, कोई भी तरीके से गायब हो गया होगा। लेकिन सवाल ये है इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी प्रिजर्व कैसे हो रही है, तो प्रिजर्व करने का काम कौन करता है, बाकी बचे हुए जो Fe प्लस आयन है उसमें से अगर एक गायब हुआ तो कितने का चार्ज मिसिंग है, प्लस टू का चार्ज मिसिंग है। तो दो क्या करते हैं, दो आपके कटायन मिलके प्लस थ्री का क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना शुरू कर दिया, यानी उन पे प्लस थ्री का चार्ज होता है। तो उसका एक प्लस वन, इसका एक प्लस वन, दोनों मिलकर के क्या करते हैं, दोनों मिलकर के इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को प्रिजर्व कर देते हैं। समझ आ गया, अभी जितने पॉजिटिव उतने नेगेटिव है, समझ आ गया। तो यहां पर गड़बड़ ये हो जाती है कि पहले क्या था, पहले ये Fe प्लस टू और O2 माइनस से बना हुआ था, लेकिन अब इसके अंदर इस दो चीजों का कॉम्बिनेशन आ गया, क्या Fe प्लस टू भी है और कुछ Fe प्लस थ्री भी है। ऐसे कई जगह से क्या होगा, आपके Fe प्लस टू गायब होंगे, तो कई जगह पर क्या होगा, Fe प्लस टू की जगह पे क्या होगा, Fe प्लस थ्री का ऑक्सीडेशन स्टेट बता रहा होगा कौन, आपका आयरन। इस वजह से इसका फॉर्मूला FeO की बजाय क्या हो जाता है, Fe.93O या फिर Fe.95O। समझ में आ रही बात, क्लियर है, वो ऐसे बताना शुरू कर देता है। तो ये इसका फंडा है, समझ में आ गई बात, क्लियर है। तो इसमें से बहुत सिंपल है, मेटल डेफिशिएंसी मतलब क्या, कटायन की डेफिशिएंसी, मतलब कटायन गायब होगा, कटायन गायब होगा, इसे तो समझ में आ गया। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी कौन प्रिजर्व करेगा, बाकी के कटायन दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट बताकर क्या करेंगे, चार्ज को बैलेंस कर लेंगे, यानी न्यूट्रलाइज हो जाएगा आपका क्रिस्टल। समझ आया, क्लियर है। तो ये आपका नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट भी मैंने पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया, एक एक पॉइंट डिटेल में बताया इसका मैंने, वो कैसे स्टाइकियोमेट्रिक बिगड़ रही है वो आपको बता दिया मैंने। पहले सिर्फ प्लस टू का था, लेकिन प्लस टू प्लस थ्री दोनों आ गया, तो यहां पर वन की जगह 0.93 या फिर 0.95 हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आखिरी बच गया, आखिरी बता देता हूं कौन सा, इंप्यूरिटी, ठीक है। ये लेक्चर लंबा हो गया अगर, तो फिर मैंने कहा था एक ही लेक्चर में कराऊंगा, इलेक्ट्रिकल डिफेक्ट और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज डिफेक्ट और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, लेकिन अगर लेक्चर बहुत बड़ा हो गया तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के बाद और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बाद आज ही कराऊंगा, ये सॉलिड स्टेट खत्म कर देंगे आज अपन, ठीक है। चलो आ जाओ,
अब इसके बाद जो है, इसके बाद नेक्स्ट देखो ध्यान से, अभी अपने को क्या करना है इसके अंदर समझने की कोशिश करो। अब अपने को तीसरे टाइप का डिफेक्ट पढ़ना है जो कि क्या आपका इंप्यूरिटी डिफेक्ट। क्या है आपका इंप्यूरिटी डिफेक्ट? यहीं से आपकी सेमीकंडक्टर की शुरुआत होगी भाई, ठीक है ना। तो इंप्यूरिटी डिफेक्ट जो है बच्चों को दो टाइप के होते हैं, दो टाइप के इंप्यूरिटी इफेक्ट्स हैं। एक को हमारी टेक्स्ट बुक क्या कहती है, सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट, और एक को क्या कहती है, इंटरस्टीशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। समझ में आ गया, बहुत सिंपल है। इसमें कोई फॉरेन एटम क्या करेगा, आकर के होस्ट एटम को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। इंटरस्टीशियल में क्या होगा, इंटरस्टाइसिस में आकर के बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो उसमें क्या होगा, एनी फॉरेन पार्टिकल रिप्लेसेस दी होस्ट पार्टिकल। कोई भी फॉरेन पार्टिकल आकर के क्या करेगा, होस्ट पार्टिकल को रिप्लेस कर देगा। इंटरस्टीशियल में क्या होगा, एनी फॉरेन पार्टिकल इज ट्रैप्ड बिटवीन द इंटरस्टाइसिस। इंटरस्टाइसिस में क्या होगा, फॉरेन पार्टिकल क्या हो जाएगा, ट्रैप हो जाएगा। समझे, एग्जाम्पल दे देता हूं मैं, बहुत सिंपल है। एलियोवेरिएंट इम्प्यूरिटी का जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है वो भी समझा देता हूं मैं। एनसीईआरटी में उसका नाम नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो डिस्कस किया है हम लोगों ने, रेफरेंसेस में आपको मिलता है उसका, ठीक है ना। तो सब्स्टिट्यूशन इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और आपका इंटरस्टीशियल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, जिसमें सबसे पहला अपने को क्या पढ़ना है, सब्स्टिट्यूशनल इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इसके बारे में अपने को पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, बहुत सिंपल है। जैसे आपका एक एलॉय है ब्रास, ब्रास एक एलॉय है जो कि किससे बनता है, आपका कॉपर प्लस जिंक से बनता है। किससे बनता है, कॉपर और जिंक को मिला करके क्या बनता है आपका ब्रास, जो कि क्या होता है, अलॉय होता है। समझ आ गया, क्लियर है। तो आपके यहां पर क्या होते हैं, ऐसे आपके कॉपर के एटम्स होते हैं। क्या होते हैं आपके कॉपर के एटम्स होते हैं, ठीक है। ये कॉपर, यहां पे कॉपर, यहां भी कॉपर, ये 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 भी कॉपर, सब क्या है, कॉपर है। लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, कॉपर की जगह मान लो जिंक बैठ जाता है, कहीं कहीं पे। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, कहीं कहीं पे क्या होता है, कॉपर की जगह जिंक उसकी जगह को ऑक्यूपाई कर लेता है, जाकर के बैठ जाता है। तो अपन ने क्या कर दिया है, अपन ने इसको कहा है सब्स्टिट्यूशनल इंप्यूरिटी डिफेक्ट। होस्ट एटम को सब्स्टिट्यूट किया फॉरेन एटम ने, होस्ट एटम कौन है, ज्यादा कौन है, कॉपर 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 कॉपर। समझ में आ गया, कम कौन है, फॉरेन एटम कौन है, जिंक। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है। मैंने कहा था ना, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में जो बहुत थोड़ी क्वांटिटी होगी उसको क्या बोलेंगे, इंप्यूरिटी। तो कॉपर ही कॉपर भरा हुआ है, कहीं कहीं पे क्या मिलेगा आपको, जिंक मिलेगा। समझ में आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट। बात समझ में आ गई, क्लियर है। एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है आपकी बुक में एलियोवेलेंट इंप्यूरिटी के बारे में, वो आपको समझाता हूं मैं। एलियोवेलेंट इंप्यूरिटी क्या है, सब्स्टिट्यूशन बाय एलियोवेलेंट इंप्यूरिटी, जो एक से ज्यादा क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, उसको क्या कहते हैं, एलियोवेलेंट कहते हैं, ठीक है, एलियोवेलेंट। तो बहुत सिंपल है, आपने क्या कर दिया, NaCl को मोल्टन फॉर्म में लिया। NaCl यानी क्या, नमक। NaCl यानी क्या, नमक। नमक को क्या कर दिया आपने, मोल्टन स्टेट में लिया। कैसे लिया, मोल्टन स्टेट में। मोल्टन स्टेट मतलब क्या, पिघले हुए स्टेट में। समझ में आ गया, तो आपने क्या कर दिया, ये आपके जो नमक है उसको आपने क्या कर दिया, मोल्टन स्टेट में ले लिया। मोल्टन स्टेट में लेने के बाद क्या होगा, आपको समझाता हूँ। उसमें आप क्या करते हैं, एक इम्प्यूरिटी ऐड कर देते हैं, ठीक है। मैं समझाता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। एलियोवेलेंट क्या होता है, जो एक से ज्यादा क्या करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, उसको एलियोवेलेंट कहते हैं। तो आपने क्या कर दिया, NaCl लिया, नमक आपका क्या कर दिया, उसको मोल्टन स्टेट में लिया, मोल्टन स्टेट, ठीक है ना। मोल्टन स्टेट में लेने के बाद क्या करते हैं आप उसको, ये आपके पास मान लो Na प्लस, ये आपका Cl माइनस, ये आपका क्या है Na प्लस, ये आपका Cl माइनस, ठीक है ना। पहले बना देते हैं इसको, ठीक है ना, ये आपका Cl माइनस Na प्लस, Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, ठीक है ना। तो ऐसे आपके पास क्या है, Na प्लस Cl माइनस, ये आपका मोल्टन स्टेट में। अब आप क्या करते हैं, इसके अंदर Na प्लस के अंदर आप ऐड कर देते हैं, नमक के अंदर आप ऐड कर देते हैं, क्या, नमक के अंदर आप ऐड कर देते हैं SrCl2,
ये आप ऐड कर देते हैं। जब इसको आप ऐड करेंगे तो इसके जो SR+2 आयन है, SR+2 आपके आयन है, SR+2 आयन क्या करते हैं मैं आपको समझाता हूं, देखो ध्यान से। जैसे आप इसके अंदर इसको ऐड करते हैं, इसकी इंप्योरिटी को ऐड करते हैं, तो ये क्या करता है, Na+ को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है, दो Na+ को रिप्लेस कर देता है, और दो Na+ को रिप्लेस करके एक जगह आकर के कौन बैठ जाता है, SR+2 बैठ जाता है। समझ में आ गया, जब दो Na+ गए मतलब +2 का चार्ज गया, समझ आ गया, और दो वैकेंसी क्रिएट हो गई। जब एक SR+2 आया तो +2 का चार्ज वापस आ गया, लेकिन वैकेंसी एक ही फिल हुई, एक वैकेंसी रह गई। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, क्लियर है? तो यही होता है, जब एलियन वैलेंट इंप्योरिटी आप ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, दो अगर उस पर +2 का चार्ज है और जो हमारा होस्ट आयन था उस पर +1 का चार्ज है, तो वो अगर दो वैकेंसी क्रिएट करेगा तो एक ही क्या करेगा, वो फिल कर पाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? तो ये फंडा है इसके अंदर, क्लियर हो गया बात समझ में आ गई। दो वैकेंसी क्रिएट हो गई थी और चार्ज +2 का गया था, और जब SR+2 आकर के यहां बैठता है तो वैकेंसी एक रह जाती है और चार्ज वो आकर के क्या करता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। +2 का चार्ज गया था तो +2 का चार्ज आ गया, लेकिन एक वैकेंसी यहां पर बढ़ गई। समझ आ गया? तो ये आपकी क्या है, एले वैलेंट इंप्योरिटी का इंटरेस्ट, आपका सब्स्टिट्यूशनल इंप्योरिटी डिफेक्ट है बाय एले वैलेंट इंप्योरिटी। समझ में आ गई बात, क्लियर है? इस तरीके से मैंने आपको समझा दिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर SR+2 की जगह हम लोग Al+3 डालते तो बताओ क्या होता, Al+3 के साथ में क्या होता, Al+3 अगर होता, अगर उसमें हम लोग क्या करते हैं, तीन कोई भी होस्ट आइटम हो सकता है, तीन अगर होस्ट आइटम निकलते जिसमें +1 का चार्ज था, तो तीन अगर अपने होस्ट आइटम निकलते और एक Al+3 आता तो क्या होता बताओ, तीन की जगह एक चार्ज तो +3 का गया, तो +3 का आ गया Al+3 के साथ में, लेकिन जगह कितनी गई थी, तीन गई थी, ऑक्यूपाई कितनी होगी, 1, वैकेंसी 2 की रह जाएगी। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? तो ये एग्जांपल से भी शायद आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका आखिरी डिफेक्ट बच गया बच्चों, आखिरी डिफेक्ट क्या है, आखिरी डिफेक्ट हमारा है इंटरस्टीशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। क्या है आपका, इंटरस्टीशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। तो इंटरस्टीशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट क्या होता है, बहुत ही आसान है ये, देखो ध्यान से। स्टील जो होता है, स्टील जो आपका होता है वो आपका आयरन प्लस कार्बन होता है, क्या होता है, आयरन प्लस कार्बन। तो उसमें आपने क्या कर दिया, ऐसे चार आपने एटम, यहां पर आपने कोई क्रिस्टल ले लिया, कोई लैटिस लिया, और उस लैटिस में आप क्या कर रहे हैं, आप अगर गौर से देखेंगे तो होता क्या है, बहुत आसान है ये, देखो ध्यान से। आपका जो स्टील होता है ना, स्टील में यहां पर आपका Fe बैठा होता है, कौन बैठा होता है, Fe बैठा होता है, समझ आ रहा है, यहां पर आपका Fe बैठा होता है, और इनके बीच में पता है क्या बैठा होता है, इनके बीच में ये कार्बन बैठा हुआ होता है। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं, यहां पर आपका क्या है, ये आपका कार्बन बैठा हुआ है, यहां का ये आपका क्या है, कार्बन बैठा हुआ है। समझ आ गया? तो इंटरस्टीशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट मतलब क्या, कार्बन क्या होगा, इंटरस्टीशियल साइड्स पे जाकर के बैठा होगा। तो ऐसे डिफेक्ट यानी इंप्योरिटी कहां जाके बैठ जाती है, इंटरस्टाइसिस में बैठ जाती है, तो हम लोग कहेंगे ये क्या आपका इंटरस्टीशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट। उसका डेफिनेशन वगैरह लिखाने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, ये बहुत सिंपल है, आप लोग लिख सकते हैं, टेक्स्ट बुक से भी रीड कर सकते हैं, मतलब आपको समझा दिया मैंने कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो डिफेक्ट को बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में मैंने कवर कर लिया है, ये पार्ट टू भी कंप्लीट हो गया। अब इसके अगले पार्ट में, लंबा होगा शायद लेक्चर, तो अगले पार्ट में अपन क्या करते हैं, अभी इसके बाद इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी करके चैप्टर को खत्म कर देते हैं, ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट।